किसान एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, लेकिन किसानों को रोकने के लिए सरकार ने दिल्ली के सभी रास्ते बंद कर रखे हैं। इसी बीच जहां एक तरफ सरकार और किसानों के बीच बातचीत का दौर चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों और पुलिस के बीच दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर तनाव बरकरार है। पुलिस किसानों को रोकने का हर संभव प्रयास कर रही है, कटीले तारों और बैरिकेड से रास्ता रोकना हो या आंसू गैस की गोली छोड़ना। इसी बीच ये खबर आई है कि 13 फरवरी को 21 वर्षीय शुभकरण सिंह, जो कि पंजाब के बठिंडा जिले के बालों के गांव में अपना घर छोड़ दिल्ली में किसानों के मार्च में शामिल होने के लिए आए थे, 8 दिन बाद पंजाब और हरियाणा को अलग करने वाली खनोरी सीमा के पास किसानों और पुलिस के बीच झड़प में उनकी मृत्यु हो गई। शुभकरण की मौत का सही कारण अभी पता नहीं चला है। किसानों ने सरकार से उनके परिवार के लिए मुआवजे की घोषणा करने की मांग की है। शव परीक्षण को अवरुद्ध कर दिया है। वे मुआवजे के तौर पर केंद्र सरकार से नौकरी की मांग कर रहे हैं। पड़ोसियों ने बताया कि शुभकरण के परिवार के पास करीब 2 एकड़ जमीन है। उनकी माँ की मृत्यु हो चुकी है और उनके पिता मानसिक बीमारी से पीड़ित है। उनकी 2 बहनें हैं, एक शादीशुदा है और दूसरी छात्रा है। उन्होंने बताया कि युवा किसान ने अपनी बहन की शादी के लिए कर्ज लिया था। बता दें, किसान अपनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, MSP की गारंटी का कानून, पेंशन लाभ और फसल बीमा सहित कई मांगों को लेकर दिल्ली की ओर मार्च कर रहे हैं। किसानों को राष्ट्रीय राजधानी की ओर आगे नहीं बढ़ने देने के लिए हरियाणा पुलिस ने पंजाब के साथ अपनी सीमाओं को मजबूत कर दिया है। पुलिस किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। किसानों का आरोप है कि कल झड़प के दौरान रबर की गोलियों का भी इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने अपनी ओर से कहा है कि प्रदर्शनकारियों द्वारा पथराव और लाठियां फेंकने के बाद कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि हरियाणा पुलिस किसानों के खिलाफ बल प्रयोग कर रही है, जबकि गतिरोध से निकलने का रास्ता खोजने के लिए उनके और सरकार के बीच बातचीत चल रही है। किसानों ने MSP पर केंद्र की पेशकश को ये तर्क देते हुए खारिज कर दिया कि वह जिस फॉर्मूले का प्रस्ताव दे रहे हैं उसमें कोई आय नहीं होगी। दिल्ली मार्च 2 दिनों के लिए रोक दिया गया है, क्योंकि किसान अगले कदम की योजना बना रहे हैं। किसान शव परीक्षण में बाधा क्यों डाल रहे हैं, इस पर श्री दल्लेवाल ने 2 शर्तें रखी। दल्लेवाल ने कहा, पंजाब सरकार को उन्हें शहीद घोषित करना चाहिए और लाभ प्रदान करना चाहिए, और सरकार को पोस्टमार्टम परीक्षा आयोजित करने के लिए 5 सदस्यीय बोर्ड का गठन करना चाहिए। इस बीच युवा किसान की मौत ने बड़े पैमाने पर राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की चेतावनी दी है, जिससे पंजाब बनाम हरियाणा के आमने सामने की स्थिति तैयार हो गई है। पंजाब में विपक्ष ने आम आदमी पार्टी सरकार पर किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस के साथ सहयोग करने का आरोप लगाया है। शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने शुभकरण की मौत के लिए श्रीमान को नैतिक और कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर राजा सिंह वारिंग ने कहा है, मुख्यमंत्री की अज्ञानता के कारण 21 वर्षीय किसान की हत्या की गई है। अब समय आ गया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री होने के नाते आप हमारे राज्य के किसानों के साथ खड़े हों। ब्यूरो रिपोर्ट, 1 मिनट न्यूज।